जी, मैं हूं हनीफ शहजाद और इस वक्त हम VM आर्ट गैलरी में खड़े हैं। ये ग्रुप शो मेरे स्टूडेंट्स का है, इन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे काम किया है। 9 आर्टिस्ट हैं ये, और क्योंकि मैं इनका टीचर हूं तो मैं ख़ुद तारीफ़ करूंगा तो बहुत अजीब लगेगा। मेरे व्यूवर्स, देखने वाले और आर्ट पर लिखने वाले, आर्ट को कवर करने वाले बेहतर तौर पर इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि इन्होंने किस लेवल का काम किया है। और टीचर की हैसियत से तो मैं यही कहूँगा कि ये यंग हैं, इनको इनक्रेज करें, इन्होंने अच्छा काम किया है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये कुछ ना कुछ कर जाएंगे, कुछ ना कुछ बन जाएंगे। ये इनका पहला ग्रुप है और अभी इनकी बहुत आगे लाइफ बाकी है। My name is Abir Hanif Ahmed and I'm a senior student of Hanif Shahzad and here is my work of the theme which is called Naya Pakistan and my theme is Imran Khan, that how he is inspired with Qaid-e-Azam and developing our country. मेरा नाम सम मोहम्मद हुसैन है और मैंने फ्लोरल कंपोजिशंस बनाई हैं। मैं बेसिकली नेचर से बहुत इंस्पायर्ड रहती हूँ एंड व्हेन यू जस्ट पुट इट राइट अवे ऑन कैनवस अपने तरीके से तो दैट गिव्स यू इवन मोर पीस। तो दीज आर माय आर्ट वर्क्स। मुझे ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं इसीलिए इसमें सब में बहुत ब्राइट कलर्स हैं। मेरा नाम शाजा जमीला है और मैंने ये आग को फोकस किया है। जब कागज़ जलाते हैं उसमें से जो शोले निकलते हैं उसके अंदर जो मुझे पिक्चर नज़र आए या जो फिगर नज़र आए उसको मैंने पोर्ट्रेट किया है। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ फरीहा यूसुफ। बेसिकली माय थीम इज़ सीजन्स। मैंने अपने काम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ दिखाए हैं, उसे मैंने लाइफ को डिफ़ाइन किया है। जैसे कि इंसान की जो ज़िंदगी में डिफरेंट सर्कमस्टेंस के अप एंड डाउन आते हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ टोन्स में, लाइट मिड डार्क में मैंने उसे डिफ़ाइन किया है। सीजन्स चार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, जैसे कि इंसान की ज़िंदगी में जो भी मुश्किल आती है तो लेकिन वो एक वक्त आता है कि वो ख़त्म हो जाती है। खिजा के मौसम में जैसे बहार आती है उस तरह से ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आती है। तो अपने काम में मैंने इसी चीज़ को डिफ़ाइन किया है। हिबा मोइन है। आई एम एन आर्टिस्ट बाई हॉबी। क्योंकि प्रोफेशन मेरा थोड़ा डिफरेंट है, आई एम ए मार्केटियर बाई प्रोफेशन। बिजनेस स्टडीज से मेरा ताल्लुक रहा है एंड आई डिड माई MBA, बट आर्ट को एज अ पैशन लेते हुए मैं बचपन से अभी तक चली हूँ। तो अभी थोड़ा प्रोफेशनल टच देना शुरू किया है थैंक्स टू आर वंडरफुल टीचर मिस्टर हनीफ शहजाद। क्योंकि जो भी आप आज देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस एग्जीबिशन, इट्स बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। तो मेरे काम का जहाँ तक ताल्लुक है, आई वर्क ऑन नेचुरल लाइट और लैंडस्केप्स मैंने पेंट किए हैं, तो डे लाइट पर फोकस रहा है। मैंने सेटिंग सन्स भी बनाए हैं एंड देन आई हैव शोन लाइट ग्लीमिंग थ्रू द ट्रीज इन नॉर्दर्न एरियाज और ऑयल ऑन कैनवस और लैंडस्केप्स एंड नेचुरल लाइट्स की थीम मैं लेती हुई चली हूँ। और मेरी 5 पेंटिंग्स अभी डिस्प्ले हुई भी हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ को डिपेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पंजाब के सीन्स पेंट किए हैं, एक भूरबन का सीन है, कहीं फेरी मेडोज दिखा दिया और अप नॉर्थ इज़ अ प्लेस दैट रियली अट्रैक्ट्स मी फॉर माई पेंटिंग्स, तो उस पर भी मेरा फोकस रहा है।
नेम इज़ फरा बिलाल. पेंटिंग जो है मेरी हॉबी है प्लस फैशन भी है. और मैंने जो मीडियम यूज़ किया है वो ऑयल पेंटिंग है और इसमें जो है मैंने एब्स्ट्रैक्ट बोर्ड्स बनाई हैं और इसमें मैंने लाइफ को दिखाया है कि कितनी कलरफुल लाइफ मैं इसे ऐसे देखती हूँ क्योंकि बोर्ड्स मुझे बचपन से ही फैसिनेट करती थी तो फिर मैंने इनको अब इस पेंटिंग की शक्ल में बनाया है. जी, हमेशा से शौक था आर्ट का, लेकिन इंटर तक पढ़ा था, उसके बाद छोड़ दिया. वहाँ पे आर्ट का सब्जेक्ट नहीं था इसलिए इससे आगे नहीं पढ़ा. लेकिन उसके बाद फिर शादी, बच्चे, घर की मसरूफियात के बाद तकरीबन 25-30 साल के बाद दोबारा मैंने स्टार्ट किया. अब मुझे 5-6 साल हो गए हैं रंगून वाला में सर हनीफ शहजाद से सीखते हुए और ये मेरी तीसरी एग्जीबिशन है.